गेमिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए विशाल एंडिट गेमर को और बेल आइकन दबाना ना भूले। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं विशाल आपका स्वागत करता हूँ विशाल एंडिट गेमर में। और मैं आज गेमिंग न्यूज़ का पार्ट टू रख रहा हूँ, मीन्स हैशटैग टू गेमिंग न्यूज़। वो टू का मतलब है, टू का मतलब है क्या, सेकेंड। हाँ, तो हम लोग बिना आज मैं तीन गेम के बारे में बात करने वाला हूँ, न्यूज़ देने वाला हूँ। एक है पबजी, दूसरा है फोर्टनाइट और तीसरा है पेडे क्राइम वॉर्स। और ये तीनों गेम को मैं आज कवर करूँगा मेरे इस गेमिंग न्यूज़ एपिसोड में। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग अपना छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं, प्यारा सा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पबजी का। पबजी का अभी 0.8.0 वर्जन आ गया है, जिसमें सैनोक मैप इंक्लूड किया गया है और फ्लेयर गन या कोई गन आया है वो एकदम से बहुत अच्छा है। और आप उसे आसमान में जहाँ पे शूट करेंगे वहाँ पे आपको एक ड्रॉप मिल जाएगा, एक रेड कलर का डब्बा मिलेगा। जैसे आप तो देखे ही होंगे, अगर आप पबजी प्लेयर है तो ऊपर से एक बॉक्स गिरा था एरोप्लेन से वो, और लेकिन आप उस फ्लेयर गन को यूज़ करेंगे तो आपको उससे भी बड़ा बॉक्स गिरा देगा। आप जहाँ पे फायर करेंगे उसके ठीक नीचे ही ज़मीन पे आपको वो बॉक्स मिल जाएगा। और सेकंड न्यूज़ है पेडे क्राइम वॉर्स। ये गेम मैंने आपको हाल ही में बताया था, ये गेम जल्दी हम लोग के एंड्रॉयड में आ जाएगा। मैंने बताया था ये 2018 से पहले ही आ जाएगा और ये गेम अभी आ गया है बीटा टेस्टिंग के लिए। और मैंने डाउनलोड लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मैंने पबजी का भी डाउनलोड लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाके एक ही बार में डाउनलोड कर सकते हैं। अब तीसरा न्यूज़ जो फोर्टनाइट की तरफ से आ रहा है वो बहुत ही खास है। फोर्टनाइट के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, उसमें बताया है कि फोर्टनाइट एंड्रॉइड में क्यों रिलीज नहीं हो रहा। और अगर आपको मुझे विश्वास नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने उस वेबसाइट का नहीं उस पेजी का मैंने आपको लिंक दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे क्लिक करके सीधा आप उस पेज पे जाके आप उसे पढ़ सकते हैं। और मैं आपके लिए वही बात सब कवर करने वाला हूँ जो उस वेबसाइट में बताया है। तो अगर आप वो आर्टिकल नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको यहीं पर शॉर्टकट पर बता दूँगा, और आप यहाँ पर सुन लेंगे तो आप उस आर्टिकल को भी नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और आर्टिकल में बहुत बड़ा है, आर्टिकल बहुत बड़ा है। जब फोर्टनाइट सैमसंग नोट 9 में रिलीज़ हुआ था तो कंपनी को लगा था कि गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सैमसंग नोट 9 डिवाइस है उसमें ये गेम बहुत हैंग हो रहा था, बहुत ही लैग हो रहा था और अच्छे से नहीं चल रहा था। फोर्टनाइट का बीटा वर्जन नोट 9 में, वो तो बीटा वर्जन ही था, जो नोट 9 में भी अच्छे से नहीं चल रहा था। तो आप दूसरे फ़ोन में तो सोचिए ही मत, क्योंकि वो गेम खास में सैमसंग नोट 9 के लिए ही बनाया गया था। एक प्रकार से वो गेम अभी भी अनस्टेबल है, मतलब जिस डिवाइस के लिए वो गेम बना है उस गेम में तो चल ही नहीं रहा, तो आप दूसरे डिवाइस के लिए तो सोचिए ही मत। और इसीलिए उस गेम में बहुत प्रॉब्लम है, और एक तरह से ये गेम कंप्लीट नहीं हुआ था बीटा टेस्टिंग के लिए भी। तो आप ऑफिशियली का तो बात ही मत कीजिए। और ये गेम किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में अच्छे से नहीं चल रहा है, बहुत हैंग हो रहा है, बहुत लैग हो रहा है, अटक अटक के चल रहा है, बहुत सारा ग्लिच है। और चल भी रहा है तो फोर्स स्टॉप होकर रुक जा रहा है, उसके आगे फिर से गेम खोलेंगे तो फिर से रिस्टार्ट ही होगा, फिर से खेलेंगे फिर से वो फोर्स स्टॉप, तो वैसे खेलने से अच्छा तो आप उस गेम को खेलिए ही मत। और कंपनी इस गेम पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और कंपनी से एक न्यूज़ आया है कि वो कह रहे हैं ये गेम जल्द ही एंड्रॉइड के लिए रेडी हो जाएगा और जल्द ही एंड्रॉइड में रिलीज़ हो जाएगा ऑफिशियली। अगर आप कह रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आप फोर्टनाइट का बीटा टेस्टिंग वाला खेल लेंगे या खेल रहे हैं तो नहीं, अगर आप खेलेंगे तो आप उसे भूल सकते हैं, क्योंकि वो गेम बहुत ही लैगी है और आपके पास तो सैमसंग नोट 9 तो है ही नहीं, अगर है तो उतना अच्छा से चल भी नहीं रहा, तो आप
सैमसंग नोट नाइन ही नहीं ले उस गेम को खेलने के लिए, और आप दूसरे डिवाइस में तो सोचिए ही मत, सैमसंग नोट नाइन में भी मत सोचिए, आप एंड्रॉयड में तो सोचिए ही मत। अगर आपको खेलना है तो वन प्लस सिक्स एस खरीद सकते हैं, सॉरी वन प्लस अरे आईफोन 6s ले सकते हैं, उसमें पूरी अच्छी तरह से चलेगा। वो तो एंड्रॉयड कंसोल नहीं है, वो iOS कंसोल है, और उससे नीचे वाला आप iOS डिवाइस लगेंगे तो उसमें तो चलेगा ही नहीं। तो आप iPhone 6s से ऊपर लीजिए या उससे नीचे तो नहीं ले सकते, उसके अब अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप iPhone 6s ले ले या उससे ऊपर वाला डिवाइस ले ले, या Nintendo Switch भी है आपके लिए, PS4 है, Xbox है, बहुत सारा कंसोल है और प्लेटफॉर्म है और आप PC भी ले सकते हैं उस गेम को खेलने के लिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस गेम का रिलीज डेट है वो कंपनी को भी नहीं पता है, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उस गेम पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का इंजीनियर सब उस गेम पे काम कर रहा है और वो गेम जल्दी रेडी हो जाएगा। और मुझे लग रहा है उस गेम को बनने में 3-4 या 5-6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं लगेगा। आप तो 3 महीने से पहले तो एक्सपेक्ट ही मत कीजिए। फॉर्टनाइट के लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली फॉर्टनाइट के लिए बनाया हूँ, इसीलिए मैं इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ फॉर्टनाइट को ही कवर कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they